नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी दिन की सबसे बड़ी बहस के साथ, मैं हूं पंकज रौतेला। कितनी महंगाई और कितनी सियासत, आज इसी सवाल के साथ डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि सिलेंडर के बड़े दाम और खुदरा महंगाई के ताजा आंकड़ों ने सियासत की दुकानों को चमका दिया है। देखा ही देखा देखी में आपने भी देखा होगा, आज लखनऊ विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई और हंगामे के साथ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने झुंड बनाकर बजट सत्र शुरू होते से पहले ही हंगामा काटना शुरू किया। बाहर धरने पर बैठे गैस सिलेंडर सर पर रखकर दिल्ली में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ धावा बोला और इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही थी, वह है महंगाई। तो इस महंगाई का कितना असर है, क्या आम आदमी की जेब पर डाका डाला गया या कांग्रेस की माने तो करंट लगाया गया है। बहरहाल ऐसे कई जुमले हैं जिनके इर्द गिर्द आज की बहस घूमेगी और अगले एक घंटे में महंगाई से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा के लिए एक बड़ा और मजबूत पैनल मेरे साथ मौजूद रहेगा, उससे बहस होगी। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें सियासत की सच्चाई दिखाने के लिए काफी है। महंगाई की मार तो जनता पर पड़ी, लेकिन सियासत का व्यापार नेताओं का चमक गया। बात यहां तक पहुंची क्यों, इसकी क्रोनोलॉजी भी समझिए। ये कोई इसरो का रॉकेट नहीं, ये चढ़ता हुआ तीर विकास की उछाल नहीं, अच्छे दिन की निशानी भी नहीं। अजी जाने भी दीजिए, ये तीर महंगे दिन की कहानी है। वैसे महंगे दिन आ तो बहुत पहले गए थे, लेकिन जनवरी आते आते ये दिन छा भी गए। इसरो के रॉकेट की रफ्तार इसके आगे फेल है। अगस्त में प्रक्षेपित हुआ तो 3.28% था, दिसंबर में 7.35% पहुंच गया और जनवरी में तो हद ही हो गई, 7.59%। मतलब 6 साल में खुदरा महंगाई दर उच्चतम स्तर पर है। सब्जियां सस्ती जरूर हुई, लेकिन बाजार में आग लगी हुई है और ये आग लगाई है बढ़ी हुई खुदरा महंगाई दर ने। इस खुदरा महंगाई दर की अहमियत आम आदमी की जिंदगी में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि खानपान से जुड़ी चीजें महंगी हो रही हैं या फिर सस्ती। वजह है खुदरा महंगाई दर में 50% से ज्यादा खाने पीने की चीजों की हिस्सेदारी। तो जरा सांख्यिकी कार्यालय का आंकड़ा भी देख लीजिए। पिछले दिसंबर के मुकाबले इस दिसंबर में सब्जियां 50.19% महंगी, दालों में दाम पिछले दिसंबर के मुकाबले 16.71% महंगे हुए, तिलहन की फसलें भी पिछले साल के मुकाबले 5.25% ज्यादा दामों में बिक रही हैं। ये आंकड़े विपक्ष के पास भी पहुंचे हैं और आंकड़े पहुंचे तो सियासत की मंडियां भी सजने लगी। जाहिर है नेताजी के निशाने पर सरकार होगी, सवाल जवाब फिर शुरू होंगे। चुनाव से पहले तो कहते थे इसको करंट लगाएंगे, उसे गोली मारेंगे, पर क्या मालूम था कि मोदी सरकार जो है वो देश की जनता के घर के बजट पर करंट लगाने वाली है, जो उन्होंने किया है। और ये 144 रुपया हिंदुस्तान में 25 करोड़ 21 लाख जो हैं सिलेंडर बिकते हैं, इस 144 रुपए की बढ़ोतरी से मोदी जी ने देश की जनता की जेब से 43,562 करोड़ रुपया सालाना निकाल लिया। चौकी मत, दिल्ली कांग्रेस या देश की कांग्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरी तरह दबाव बनाया जाएगा कि बड़े एलपीजी के दामों को तुरंत वापस लिया जाए और महंगाई की इस मार से दिल्ली और देश की जनता को बचाया जाए। अब बात है जब बढ़े हुए सिलेंडर के दामों की हुई तो सिलेंडर के दामों पर भी एक नजर डाल ही लीजिए। सियासत की दुकान चलाने के लिए सबसे बड़ा सामान भी तो सिलेंडर के बढ़े हुए दाम ही साबित हुए। रसोई गैस का जो सिलेंडर पहले 714 रुपयों का था, उसके दाम 144.50 रुपए का, उसमें इजाफा होकर दाम 858.50 रुपए हो गया। यानी बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 20% का इजाफा हो गया एक मुश्त। हालांकि गैस सिलेंडर पर पहले जो 153.86 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, वो अब 291.48 रुपए कर दी गई है।
जो लोग उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी लेते हैं उनको पहले 174.86 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, उनको अब 312.48 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसका असर भी समझिए कि सब्सिडी लेने पर 26.10 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जबकि 1.3 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो सब्सिडी नहीं लेते हैं। जाहिर है दाम में बदलाव सियासत का नया मौका था और यूपी में बेसब्री से सत्ता में आने का इंतजार कर रही समाजवादी पार्टी ने इस मौके को भुनाने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। समाजवादी पार्टी इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता व्यक्त करती है, इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर, इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर। उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत बहुत खराब है, किसानों के साथ नाइंसाफी हो रहे हैं, किसानों के गन्ने का मूल्य बकाया है लेकिन सरकार नहीं दे रही है, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया और वादा खिलाफी किया, नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दे रहा, स्वास्थ्य सेवाएं एकदम चौपट हो गई हैं। इन सारे सवालों को लेकर समाजवादी पार्टी आज चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर धरना दे रही है। लीजिए, चल पड़ा है सियासत का व्यापार और महंगाई के बहाने सियासी निशानों को लगाने का खेल भी। दिल्ली में कांग्रेस का हंगामा है, यूपी में समाजवादी पार्टी सड़कों पर है, बहाना बढ़ती महंगाई, रसोई गैस का है। अब इन बहानों के सहारे सियासत कितनी काबिल और कितनी कामयाब होती है देखते हैं। नरेंद्र यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो एक बार फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन आज इस डिबेट में, बड़ी डिबेट में सवाल क्या रहने वाले हैं, जिसका जवाब हम आज खोजेंगे एक पैनल द्वारा जो जानकार है, जो समझता है कि वाकई में महंगाई बढ़ रही है या सियासत इस पर हो रही है, कितनी महंगाई बढ़ी है, सवाल आपके सामने है। बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम कब, ये पहला सवाल है, कब लगाम लगेगी महंगाई पर। दूसरा सवाल, महंगाई के बहाने सियासत कब तक, क्योंकि सिलेंडर महंगा हुआ तुरंत सियासत शुरू हो जाती है। क्या दिल्ली चुनाव के चलते नहीं बढ़े थे सिलेंडर के दाम, इंतजार किया गया चुनाव हो तो उसके बाद बढ़ाए जाए। R9 के सवाल, सरकार पर विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, महंगाई बढ़ने के लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है। तो इसी पर आज बहस होने वाली है, महंगाई को लेकर। महंगाई डाइन खाए जाते, ये गाना भी आया था और उससे 2014 से पहले अगर आप देखेंगे उस तस्वीर को, याद होगा आपको, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो बीजेपी ने महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह सड़क पर बैठकर चूल्हा चौका सब वहीं शुरू कर दिए थे। लेकिन आज वही कांग्रेस जवाब पूछ रही है, ये जानना चाहती है कि वाकई में कितना आप महंगाई पर कंट्रोल कर पाए हैं, लगाम लगा पाए हैं। एक मजबूत पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, उससे आपका परिचय पहले करा रहा हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। गुलरेश शेख साहब जुड़ेंगे, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ, मनोज तिवारी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, मनोरंजन मोहंती जी हमारे साथ हैं, बाजार के जानकार हैं मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर, अजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, अनिल मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, और संजीव चौधरी जी नेता समाजवादी पार्टी। आज लखनऊ में देखा गया समाजवादी पार्टी ने महंगाई को लेकर हल्ला बोला। धर्मवीर चौधरी बसपा नेता हमारे साथ हैं, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले गुलरेश शेख साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज जिस तरह से लखनऊ में तस्वीर दिखी सिलेंडर को सर पर रखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई 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 वो चिल्ला रहे थे, और वो 2014 से पहले वाली तस्वीर याद आ गई, दिल्ली की सड़कों पर स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, आपको भी याद आई होगी। देखिए, मैंने भी देखा आज, और ये जो था ये राशन के लिए नहीं भाषण के लिए कर रहे थे, उसका आप सिंपल हिसाब समझिए जी। इस देश में पिछले 5 वर्ष में जो इन्फ्लेशन की दर रही है एवरेज, वह रही है, 5 वर्ष का बता रहा हूं मैं एक क्वार्टर का या एक मंथ का नहीं बता रहा, पिछले 5 वर्ष में 4.5% रही है। और जिस समय हम दिल्ली में जो हमारा प्रदर्शन कर रहे थे उस समय 12% और 14% के लगभग इन्फ्लेशन की रेट जा रहा था, तो आप समझिए कि क्या अंतर है। और उस सरकार में और इस सरकार में जो लोग आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये केवल यदि गैस की टंकी पर जो रेट बढ़ा है उसको लेकर कर रहे हैं, तो या तो ये हम मूर्ख हैं या मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि गैस की टंकी LPG जो है वो भारत का उत्पादन नहीं होता है, यह इंटरनेशनल मार्केट से
भवन होता है और इंटरनेशनल मार्केट में साइकिल चलती है, जब कम होगा तो वो कम भी होगा, जब बढ़ता है तो बढ़ता है। देखिए आप ओवरऑल देखिए, इन्फ्लेशन केवल गैस और पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, उसका भी प्रतिशत होता है, लेकिन उसमें अलग अलग मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। और यदि आप आर्थिक सर्वेक्षण जो आया अभी, और आर्थिक सर्वेक्षण कोई भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा नहीं है, वो भारत की संसद की पटल पर रखा हुआ सरकारी आंकड़ा है, वो उसके हिसाब से तो जिसको थालीनॉमिक्स कहते हैं, थालीनॉमिक्स में 19% कम पड़ा है जो कंपेरेटिवली 2014 के, खाना पीना जो है वो वेजिटेरियन फूड 29% कम पड़ा है और 19% कम पड़ा है नॉन वेजिटेरियन फूड। तो इन्फ्लेशन को जो मेजर किया जाता है उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर को लेकर राजनीति हो सकती है, लेकिन कोई डिस्कशन नहीं हो सकता जी। यही अगर इजाजत हो तो मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत बोलिए सर, तुरंत बोलिए अगर आपको लगता है। गुल्ले जी, अनिल मिश्रा बोल रहा हूँ। गुल्ले जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बातें अच्छे ढंग से कहते हैं, लेकिन मैं गुल्ले जी की बातों को बड़े ध्यान से सुना, तो मैं गुल्ले जी से ही पूछना चाहता हूँ। सही बात है, गैस हमारे यहाँ नहीं होती, उतना नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता, भैया प्याज हमारे यहाँ ही पैदा होता है, दाल हमारे यहाँ ही पैदा होती है, आटा चावल जो भी हमारी रोजमर्रा की गरीबों की या आम आदमी की जरूरतें हैं, लगभग सब इंडिया में पैदा होती हैं, दूध भी। लेकिन आपने अभी जो संसद सदन में रखा गया पटल पर, उसका तो थाली का जो रिपोर्ट था वो आपने बता दिया, लेकिन जो अभी त्रैमासिक रिपोर्ट आई जिस पर बातचीत हो रही है, इसमें जो 7.35 के ऊपर महंगाई दर गया है, वो सिर्फ और सिर्फ सब्जियों और खाने की चीजों को लेकर गया है। क्या इस पर भी आप कहेंगे कि मूर्ख बना रही है विपक्ष या आप? मेरा प्रश्न इतना। जो जो अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री जी की वो बात 2014 की चुनावी रैली में कि प्याज जो सबसे गरीबों का खाना है वो भी कांग्रेस सरकार नहीं खाने दे रही है, पिछले 8 महीने से प्याज की क्या हालत है, जो रोटी और प्याज नमक खाया जाता है, या जो दाल रोटी हमारे यहाँ कहा जाता है गरीबों का खाना है, उस दाल का क्या रेट है, इस पर भी आप कुछ प्रकाश डालेंगे? नहीं देखिए, अब आप सीक्वेंस वाइज आए, यदि आप दाल की बात करते हैं तो दाल में एक समय वह था जब हमने भी सरकार में पहुंचे थे मोदी 1.0 में, तो इनिशियल फेजेस में दाल की हमेशा कमी पड़ रही थी, लेकिन यह गुड मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि अब दाल की कमी नहीं पड़ती, उस प्रकार की उछाल नहीं आते। सरकारी आंकड़ा लेकिन स्टोर से काम नहीं चलेगा गुल्ले जी, हमें 100 रुपए दाल आज खरीदनी है, कृपया आप इस पर सफाई दें। स्टोर में अगर दाल रखी है तो इससे हमें मतलब नहीं, कहां रखी है कोई जनता नहीं जानती, केवल सरकारी आंकड़े बात करता है। आप बोलने नहीं दे रहे सर। नहीं, अब आप बोले सर, पार्लियामेंट नहीं है जहां जनता के किचन में कितनी दाल है ये पूछ रहे हैं, वो हंगामा करते हैं जी। नहीं, मैं वही बता रहा हूं, मुझे लगता है चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप आर्थिक विषयों को अच्छी तरह से पढ़ते होंगे, तो जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो थालीनॉमिक्स वाला जो चैप्टर है, वो ऐसा नहीं होता है कि 2013 में प्राइस क्या थी और उसको 2021 से कंपेयर किया जाए, या 2020 से किया जाए, या 2019 से किया जाए, वैसा नहीं होता। उसमें ये होता है कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या हुई है, आपकी परचेसिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ी है, सवाल के अनुपात में कीमत कितनी बढ़ी है। देखिए कीमत नीचे जब जाती है, जब डिप्रेशन होता है मार्केट में, इकोनॉमी में, और सौभाग्यवश ना हमारे इन्फ्लेशन है ना डिप्रेशन है जी। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए जरा। गुलरेज भाई, मैं आपसे एक चीज सवाल करना चाहता हूं। आपने कहा कि पिछले साल दाल की जो है हमारे किचन में बहुत बढ़ोतरी हुई है, यानी कि दाल में, दाल के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, बाजार जो है वो उत्पादन और खपत के ऊपर भी निर्भर करता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर दाल का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ तो दाल के मूल्यों में वृद्धि क्यों हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, जवाब पहली बात, दूसरी पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर दाल के उत्पादन में बढ़ोतरी, बिल्कुल सही पॉइंट, मुझे थोड़ा समझ में गुलरेज भाई, नहीं अच्छा प्रश्न है, पहले सवाल पूछना चाहिए, अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। मैंने कहा कि दाल के उत्पादन में सरकार कहती है कि बढ़ोतरी हो गई, और दाल के में तिलहन में जो है दाल में 50% की, तो माफ कीजिएगा 15% की, 15% की बढ़ोतरी हुई है। 15% की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होती है। अगर खुदरा बाजार में
महंगाई का दर 7.59% है, जो दैनिक चीजों से आम आदमी के दैनिक चीजों से जुड़े हुए ये सामान है और इसमें वृद्धि होती है, तो सरकार दो तरफा बात करती है, एक तरफ कहती है उत्पादन बढ़ा है और दूसरे तरफ के दाम बढ़ जाते हैं, तो उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी दाम में बढ़ोतरी क्यों होती है? ठीक ठीक, शेख साहब जवाब दीजिएगा जल्दी से प्लीज। जी देखिए, इनका प्रश्न वाजिब है और अच्छा प्रश्न किया ताकि जनता के पास भी सही फीडबैक जाए। देखिए, इकोनॉमी में एक चीज होती है कि आज प्रोडक्शन बढ़ा है, दाल का हो, तिलहन का हो, किसी का भी, या तो आप उसको गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरवीन नहीं करे, वो मार्केट प्राइसेस के ऊपर छोड़ दे, तो डेफिनेटली प्राइसेस गिर जाएंगी। लेकिन उसका परिणाम क्या आता है कि किसान को जो पैसा मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता। आपने एक चीज देखी होगी कि किसान कितना ज्यादा उबल रहा था आज से 1.5 साल पहले, प्रदर्शन चल रहे थे, लेकिन आज स्थिति क्यों अच्छी हुई है? क्योंकि किसानों को उसका वाजिब दाम मिल रहा है। ठीक है, यदि मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दे, एक एक करके पैनल सभी मेंबर्स के पास जा रहा है, सब वे किसान को कुछ नहीं कमाने देंगे। जी जी जी, महंगाई को लेकर बात हो रही है तो समाजवादी पार्टी ने आज लखनऊ में प्रदर्शन किया था, विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई, बजट सत्र की शुरुआत हुई और सत्र का आगाज ही हंगामेदार हुआ। गुर्रे जी एक मिनट थोड़ा सुन लीजिए प्लीज, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है चौधरी जी, वो क्या कुछ कह रहे हैं सरकार को लेकर, महंगाई को लेकर, और कितना दम है उनके उस प्रदर्शन में जो उन्होंने लखनऊ में किया था, प्लीज चौधरी जी। देखिए, अभी सबसे पहले तो मैं शेख साहब को ये बताना चाहूँगा, जो जिस तरीके की ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि मूर्ख बता रहे हैं दूसरे विपक्ष को, तो इन्हें अपने शब्दों का चयन करना चाहिए कि यदि इनकी गलत नीतियों का कोई विरोध करेगा तो वो मूर्ख नहीं है। आप कितना ये झूठ, रोतेला जी ये कितना झूठ बोल रहे हैं ये बीजेपी वाले, हमारा पैसा हमको ही वापस सब्सिडी में दे रहे हैं। देखिए, जानना ये चाहते हैं, पहले 400 कुछ रुपये का सिलेंडर मिलता था, उसके बाद इन्होंने एक सबके दिमाग में डाल दिया कि हम आपको सब्सिडी देंगे और वो और सिलेंडर का रेट बढ़ के 500 कुछ रुपए में मिलने लगा और उल्टा ये कहते हैं कि सब्सिडी देंगे। कितना बेवकूफ, ये इस देश को ठग रहे हैं, ये देश जान चुका है। रही बात स्टॉक कितना है, अभी हमारे भाई बड़े वरिष्ठ पत्रकार इनसे सवाल कर रहे थे, इन पर जवाब नहीं दिया गया, स्टॉक कितना है सवाल इस बात का नहीं है, रेट बढ़ा क्यों? अगर आपके पास स्टॉक है तो उसको खोल दीजिए, प्रॉब्लम क्या है? हर चीज में महंगाई में आपने सरकार बनाई थी, आपने कहा था हम चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, किसान, अब किसानों के ऊपर बात कर लीजिए, एक भी जवाब नहीं देंगे। 2000 रुपए का दो लॉलीपॉप देके और ये अरबों खरबों कई हजार करोड़ रुपए ये किसानों के दबाए बैठे, हमारा ही पैसा, हमारे ब्याज का भी पैसा ये हमको नहीं वापस कर रहे। चलिए तो जवाब ले ले। नहीं, अब मैं बोलता हूं 2 मिनट। हाँ। किसानों का पैसा, हमको भीख नहीं चाहिए, किसान इस देश के किसान को भीख नहीं चाहिए, किसान को चाहिए किसान का पैसा, हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, इन्होंने इनसे हमें चाहिए जो किसान का पैसा है उसके गन्ने का दाम का पैसा दे दें, आलू का दाम वाजिब दे दें, जो किसान की जितनी व्यवस्था है जी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये गलत तरीके से, हम इनसे ये देश की व्यवस्था चाहती है ये हमें रोटी दे, ये पाकिस्तान की बात करेंगे, ये देश की व्यवस्था चाहती है चिकित्सा पे बात करें, किसानों पे बात करें और ये धर्म पे बात करते हैं। आखिरकार ये चाहते क्या है इस देश से, तो बता रहे हो चाहते क्या, चाहिए क्या बताइए आप शेख साहब। लेकिन मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, आपकी मैं मजबूरी समझ सकता हूं कि आप क्यों कहना चाह रहे हैं। गुलरे शेख साहब जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, मैं तो अभी तक, हाँ रोतेला जी, मैंने पूरे समय जितनी देर भी बात कर रहा हूँ मैं इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा, मैं मूल बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि विश्व इकोनॉमिक्स का है। आप होते कौन है, मूर्ख बताने वाले कौन होते हैं आप बताइए कौन होते हैं, आपकी सरकार में इसका मतलब आपका झंडा सहन करेगी विपक्ष? मैं प्रूव करूँ, बताइए कैसे कहा आपने, आप अपने शब्द वापस लीजिए, शब्दों का सही चयन कीजिए। आप भीख लेके, आप दिल्ली में सारी दुनिया जानती है दिल्ली में आपने क्या किया, आप भाषण के लिए प्रदर्शन करेंगे तो या तो आप मूर्ख हैं या मूर्ख बना रहे हैं, स्वाभाविक बात है। ये काम नहीं है कि एक एक वोट के लिए, अरे सर, एक एक आप राशन के लिए करते प्रदर्शन, अच्छा मानता हूँ, आप भाषण के लिए कर रहे हो,
आपको टोटी मिल गई है सर। सर अब देखिए फिर मैं उस तरह से ही आऊंगा ना, यदि आपको इकोनॉमिक्स में बात करना आती नहीं है, आपको टोटी पर जाने वाले हैं, मैं नहीं जाने दूंगा ऐसे, तो आप बात नहीं करना चाहते। आप शेख साहब टोटी पर नहीं जाने दूंगा, आप पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए, मुझे आगे भी पैनल में जाना है। धर्मेंद्र चौधरी जी शेख साहब शर्म करो, आप इनको चुप करेंगे, आप इनको चुप करेंगे, ठीक है? उसी उत्तर प्रदेश में जहां प्रदर्शन हुआ विधानसभा के बाहर, बहुजन समाज पार्टी भी वही है। गलत 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 लोगों का साथ मत दो, गलत लोगों का साथ। धर्मवीर चौधरी जी बसपा से आते भाई, और आपके दावों में महंगाई बढ़ रही है, सरकार काम नहीं कर रही है, कितना सच्चाई है बताइए दर्शकों। इकोनॉमी के ऊपर चर्चा किया जा रहा है, बहुत सारे प्रश्न होंगे आपसे, जरूर होगा, और जवाबदेही बनती है आपको, जनता ने आपको जवाबदेही बनाया। क्या हुआ किसानों के पेमेंट का, क्या हुआ गंगा साफ हुई कि नहीं हुई, बताइए आप। चौधरी जी थोड़ा सा देखिए, अब मैं बोल सकता हूँ जी, जल्दी से बोलिएगा सर, पूरा बोल ले आप, नहीं बोल लिया उन्होंने, आप जवाब दे दीजिए, बोलना इनको बोलने दे, ठीक। धर्मवीर चौधरी भी जोड़ देते हैं, रोतेला जी 39% वोट लेने वाले लोग 61% यह बात कैसा न्याय है? 61% बोलो वोट है और उनका मूर्ख बता रहे हैं। धर्मी चौधरी जी आप भी अपना सवाल कर दिए, दोनों का जवाब एक साथ आ जाएगा प्लीज। मैं शेख साहब के लिए कुछ मेरे दो तीन लाइनें मेरे मन में आ रही हैं, कहीं मैंने पढ़ी थी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। जो सरकार महंगाई के नाम पर सरकार बदलने का प्याज पर महंगाई पर इस पर उत्तर धरने प्रदर्शन रानी अरुण जेटली सुषमा स्वराज और दुनिया भर के नेता जो है यहाँ पर सड़कों पर लेटे हुए थे, मैं पंकज भाई शेख साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब आलू की खुदाई होती है खेत में 2 रुपए किलो होता है, और जब बिचौलियों के बीच में पहुंच जाता है तो वो 10 रुपए किलो हो जाता है, ये सरकार के संसाधन क्यों कम पड़ जाते हैं, और बिचौलिए और सरकार कैसे आम आदमी को लूटती है कि एक आदमी किसान लूटता है और दूसरा आम आदमी लूटता है। आज महंगाई की दर 7 पॉइंट से भी ऊपर जा रही है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? इस तरह से ये नहीं होता था, यदि चिल्लाते रहेंगे सब, जिम्मेदारी है। गैर सब्सिडी का सिलेंडर आप पहनते हैं, आप जो है 150 रुपए का बता दिया, 150 रुपए का डिस्कशन नहीं हो रहा, चिल्ला चिल्ला के मर्जी बजा बता दिया आपने, तो कहां था? नहीं सर, आप एक काम करें, आप बाहर जाएं सड़क पर, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 16,000 आप लोगों को तमीज नहीं है बात करने का, कि डिस्कशन कैसे होता है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ते नहीं है, नीति और नीति आपको आंकड़े मालूम नहीं है, और मुझे कंफर्म है कि आपको अभी तक जितनी रिपोर्ट आई है रिपोर्टें भी नहीं पढ़ी होंगी। लोकतंत्र में आपको जनता थप्पड़ मार रही है, 7 स्टेट आपके हाथ से निकल चुके हैं और आप कुंभकर्णी नींद सो रहे हो। शेख साहब जवाब दे दीजिए जल्दी से प्लीज, शेख साहब के पास कोई जवाब नहीं है। सबसे जितने थप्पड़ मायावती जी को पड़े हैं इतने किसी को नहीं पड़ रहे, क्योंकि उनकी तो पार्टी समाप्त होने के कगार पे पहुंच गई है और वो अभी भी घर में सो रही हैं, तो आप थप्पड़ ओप्पड़ की बात मत करें, थप्पड़ तो आपको रोज पड़ रहे हैं, मायावती जी को रोज पड़ रहे हैं। एनीवेज अपने मुद्दे की बात, हम मनुवाद के हिसाब से नहीं चलते हैं, इस देश को एक डंडे। अरे आपने तो हुआ पहले बाजार की बात कर लेते हैं ना, आप पार्टी में क्यों जा रहे हैं? लोकसभा लगता है राज्यसभा का कल राज्य में चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी आपको एक भी मिलेगी क्या हाल है? आपको तो एक राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी, अभी इसी साल 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसका आपको थप्पड़ पड़ने वाला है, क्या बात कर रहे हैं? अरे बीएसपी वालों का तो वहां भी थप्पड़ पड़ रहे हैं, ठीक है धर्मवीर चौधरी, ठीक है बाजार के जानकार क्या कहते हैं? मैं सर आपके पास ही आ रहा हूँ, मनोरंजन मोहंती जी हमारे साथ है। सर सवाल सीधा सा है, खाना पीने का सामान महंगा हो गया ये कहा गया, आंकड़ा मैं भी लेकर बैठा था, मैं भी दर्शकों को बता दूं, जनवरी में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.59% पर जा पहुंची, 6 सालों का उच्च स्तर है, ये सब लोगों को समझ लेना चाहिए, और लगातार 6ठा महीना है जब महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। अब ये बाजार का हाल क्या है, माहौल क्या है, क्या उस पर सियासत हो रही है, वो मोहंती जी बताएंगे। देखिए ये हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, और यहाँ आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा, जहाँ पे सत्ता में कोई भी होगा उसके ऑपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है जी, और अगर नहीं होगा तो हमारा ये लोकतंत्र चल नहीं सकता।
और जहां तक पार्टियों की बात है तो ये भाई साहब सब बैठे हुए हैं और शेख साहब को सब सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जो ये डिस्कशन हो रहा है वो वाकई में वो डिस्कशन तो यहाँ हो ही नहीं रहा जी। और ये यहाँ तो यही हो रहा है कि आपका पार्टी क्या किया और आपका पार्टी क्या किया जी। तो अगर हम पूरे मार्केट को देखें, आप समझिए कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट या यूपीए का कब था, उसके बाद बीजेपी आया, और उसके उससे पहले क्या हमारा यहाँ रिसेशन नहीं हुआ, इन्फ्लेशन नहीं हुआ, सब हुआ है। और इससे भी अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार को भी देखें, उस चीज़ से भी हम उभरे हैं और आए, और आज भी जो चीज़ें हो रही है ये इससे भी हम आगे निकलेंगे। लेकिन इसमें हमें रीजन देखना पड़ेगा कि इसमें रीजन क्या है जी। तो आप देखिए, अगर जैसे 2014 में ये गवर्नमेंट आई तो आप उसके बाद सबसे बड़ा जो स्टेप लिया इन्होंने डीमोनेटाइजेशन का, इसमें डीमोनेटाइजेशन का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जीएसटी रोल आउट हुआ, जीएसटी के भी इसमें इफेक्ट है जी। क्योंकि उसमें कई सारे कन्फ्यूजन था, उसको पटरी में आते आते इसमें सारे चेंजेस होते होते इतना टाइम लग गया, तो उसमें जो बिजनेस है कितने स्मॉल बिजनेसमैन जो बिजनेस है वो बंद हो गया। तो कई बार इसको मतलब चाहे फॉर्म से लेकर इसका इम्प्लीमेंटेशन से इतना परेशानी हुई है, तो उसकी वजह से भी ये अफेक्ट हुआ। अब उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे ग्लोबल रिसेशन को देखिए, और आज भी जो ईरान और अमेरिका के बीच हो रही है तो उसके भी इफेक्ट देखिए। तो ऐसे हर चीज़ का इफेक्ट को लेके हमारा इकोनॉमिक फैक्टर को सारे मतलब इसका फैक्टर को अब ले लीजिए। अब आई जो किसानों के हित में, अब इसके जो सारांश क्या है, अगर हमारा सप्लाई डिमांड की बैलेंस नहीं रहेगा तो हमारा इकोनॉमिक स्लोडाउन होना जरूरी है। मतलब कोई रास्ता नहीं है कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इसीलिए निचले स्तर पे डिमांड बढ़ाना, परचेजिंग पावर बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। तो वो करेंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और उसके बाद मतलब ये साइकिल चलता है। तो फिर अगर कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट लाती भी है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, तो उसका इफेक्ट इमीडिएट हो सकता है कि नेगेटिव हो, लेकिन अगर इसका प्रॉपरली हम इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और इसको कई बार ये बार बार चेंज ना करें। और कई बार एक सवाल है मेरे पास, मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आऊंगा। मनोरंजन से एक सवाल है, जल्द जल्द, क्योंकि बाजार के एक्सपर्ट है। आपको देखिए, आप हर वित्तीय वर्ष में पिछले 3 वर्षों से ये लगातार चलते आ रहा है कि कंपनसेशन सेस जी, जो केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाता है, ठीक है। मैं मार्केट की स्थिति को समझना चाहता हूं मनोरंजन जी से। मनोरंजन जी ने कहा कि बाजार जो है वो निर्भर करता है उत्पादन पर, व्यापार पर जी। सरकार 6 वर्षों से सत्तासीन है, विगत 6 वर्षों का अगर आर्थिक डाटा आप उठा करके देखिए, तो मैं सिर्फ 2 वर्षों की बात आपको करता हूं। 2 वर्षों में कंपनसेशन शेष जो है 47,232 करोड़ रुपया शेष था जी, और 47,232 करोड़ रुपया शेषकांत के बावजूद 63,200 करोड़ रुपया कंपनसेशन शेष में कमी आई है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो मैं मनोरंजन जी से यह जानना चाहता हूं कि यह तीसरा वित्तीय वर्ष है, मैं 6 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, ये 3 वर्ष की बात कर रहा हूं। तो 2 वर्ष में 47,232 करोड़ का शेष आना और उसके बाद 63,200 करोड़ रुपए की कंपनसेशन शेष की कमी, तो ये दोनों को जोड़ दिया जाए, इसका मतलब सरकार जो है विगत 3-4 साल से बाजार की स्थिति को देखने के बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये जो स्थिति है, अरविंद सुब्रमण्यम का रिपोर्ट है, सरकार के द्वारा ही रिपोर्ट दिया गया है, वो ये कहती है कि पूरी देश की इकोनॉमी जो है वो आईसीयू में जा रही है। ठीक है, मैंने वही कहा कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है, अगर कोई इसको मना कर दे तो वो झूठ बोलेगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं है, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन आपने जो आंकड़ा बता रहे हैं, आप इसको देखिए कि हमारा जब बजट बनता है तो बजट में डेफिसिट बजट होता है, और डेफिसिट बजट भी होगा तो डेफिसिट जो है वो पूरा कहाँ से होगी, उसके लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऐसे पॉलिसी बनाना पड़ेगा जिसमें इनकम आए, रिसिप्ट आएगा तो तभी जाके एक्सपेंडिचर होगा। तो इसमें जब आंकड़े की बात करेंगे तो खाली आप एक चीज को लेके एक धार में नहीं चल सकते जी। कोई भी चीजें, कोई भी देश चलेगी तो हर फैक्टर को कंसिडर करते हुए, चाहे वो सेस हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, सबको साथ में लेके ही हमें कैलकुलेट करके इसका इफेक्ट को देखना पड़ेगा, तभी जाके इकोनॉमिक हाँ। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक स्लोडाउन है, उसमें कोई मना नहीं कर सकता। अजय शर्मा जी से एक सवाल लेना,
सवाल जो किया जा रहा है, वो पैनल में मौजूद है। आज ये जो सवाल है गैस सिलेंडर की बढ़ोतरी को लेकर, आपने बाजार को लेकर के कहा, मैंने ये बोला कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस से लेकर पेट्रोलियम डीजल उसके बाद कमी होने के बावजूद भी, देखिए दाल के संदर्भ में भी वे गुल्ले जी से यही सवाल ले रहा था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर इनके दाम घटे हैं फिर यहाँ क्यों नहीं घटे, फिर दाम क्यों नहीं घटे, क्यों नहीं मिला, दाम बढ़ क्यों गया, जो बीच में गैप है वो गैप में जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट क्या हुआ, ये तमाम बातें होंगी सर आगे, तमाम बातें आगे होंगी। अजय शर्मा जी के पास में जा रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है इस पैनल में, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शर्मा जी किस तरीके से देखते हैं महंगाई वाकई में चरम सीमा पर है, क्योंकि कागज तो यही कहते हैं, आंकड़े तो यही कहते हैं, लेकिन उस पर जो जिस तरह सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो रहा है उसको सियासत का नाम भी दिया जा रहा है, और अभी गुलेश शेख साहब तो कुछ और कह रहे थे। देखिए मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देख रहा हूँ जी, जैसे अभी मोहंती साहब भी कह रहे थे कि 2014 में जो महंगाई की स्थिति थी या वो आज भी बरकरार है, और जो विकास दर है वो भी लगभग वैसी है, पर थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ है। यानी कि जो एक बात सीधे मोटे तौर पे समझ में आती है जी, कि ये जो मौजूदा सरकार है उसने उसके लिए एक अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाई, इसका मतलब यानी कि जिन मुद्दों पे आप सरकार सत्ता में आए थे आपने उसको लेकर उससे ज्यादा काम नहीं किया, आपने आप दूसरे मुद्दों पे ज्यादा रहे, यदि आपने उसको लेकर काम किया होता तो शायद आज इस तरह की स्थिति नहीं होती, और उस स्थिति से उबरने के लिए शायद आपको इतनी आज आलोचना का सामना नहीं करना पड़ रहा होता जितना आज आपको करना पड़ रहा है। बहुत सारे आंकड़े जो है हमारे पैनलों ने दिए हैं कि दाल की स्थिति है या प्याज की स्थिति है, आप देखें कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार 9% के ऊपर जो है पहुंच गई थी महंगाई दर जी, और जो है प्याज का जो है 300% था, और पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, आपके दूध के दाम बढ़ रहे हैं, आलू के दाम बढ़ चुके, छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ें बढ़ चुकी हैं। इवन जो है आप देखें जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर जो सबसे सस्ता शैम्पू मिलता है ₹1 का, उसको भी लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया है, वो 2-3 दिन में एक बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो ये बताता है कि आपकी जो स्थिति वो क्या है, डिमांड जो है वो घट गई है, क्यों, लोगों के पैसे नहीं है, और पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि रोजगार नहीं है, रोजगार भी इसकी बहुत बड़ी समस्या है, एक तो ये चीज़ है इसके अंदर। दूसरा हम इसको दूसरे एंगल से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश में पिछले कुछ समय में जिस तरह के हालात रहे हैं, मुझे लगता है काफ़ी पैसा जो है देश की मरम्मत में खर्च हो रहा है, जो आगजनी लड़ाई झगड़ा जो चीज़ हम देख रहे हैं, जैसे CNRC को लेकर, दूसरे मुद्दों को लेकर जो चीज़ें हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। GST और नोटबंदी तो खैर है ही, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। शेख साहब से जवाब ले ले फटाफट जी। गुलेश शेख जी, मैं एक मिनट बोल दूं। हाँ जल्दी से सर प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था एक पत्रकार की हैसियत से कि राजनीतिक पार्टियां तो अपनी बात कहेंगी, मैं ये कहना चाहता हूँ 2014 के पहले भी ये देश था, यही समाज था बिल्कुल, और सरकार दूसरी, संसाधन भी यही थे, संसाधन भी यही थे, 12.5 कितना % महंगाई दर हुआ करता था, ठीक है। आज हम गर्व से कहते हैं, अभी मान लीजिए इस बार बढ़ गई, नहीं तो 3-4-5 के नीचे हमेशा रही। लेकिन क्या गुल्ले साख साहब या कोई भी हमें जानकार ये बता सकता है कि जो चीज 2014 के पहले इतनी महंगाई दर होने के बावजूद जिस रेट पे मिलती थी, उस रेट से एक पैसा भी कोई चीज सस्ता हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हर चीज, चाहे वो ट्रेन किराया हो, चाहे बिजली बिल हो, चाहे सब्जी में रखने वाली थाली दाल जो भी हो, एक थाली का आइटम, वो जस्ट डबल रेट पर आ गया है। तो हम और लेकिन आंकड़े, सरकारी जो आंकड़े आते हैं हर साल, चाहे बजट के दौरान दिए जाए, चाहे जब ये नेता बोलते हैं, इनका ये कहना कि अरे सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, ये जो विरोधाभास है, जब जनता खाने को भरपेट नहीं पा रही है और आप आंकड़े पे आंकड़े बताते हैं, आंकड़ों से पेट नहीं भरता, कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करती है, जिससे जनता की जो एक छटपटाहट है वो फिर वोटों में परिवर्तित होती दिखती है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि ये हमारी सत्ताधीन पार्टी भाजपा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और मुझे लगता है ये उसके लिए बहुत बड़ा एक हार का कारण बन जाएगा। बिल्कुल, सही कह रहे हैं गुलेश शेख साहब। महंगाई, खुदरा महंगाई दर बढ़ गई, GDP को लेकर सवाल उठता रहा, और इस पैनल में भी सभी लोगों ने एक चीज मानी कि पॉलिसीज का अभाव रहा, और बेरोजगारी भी एक हो सकता है इसका कारण, महंगाई का बढ़ना और लोगों का जिस तरीके से अब लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सामान बिकेगा नहीं तो वो महंगा होगा। इस पर जवाब दीजिएगा प्लीज।
देखिए, जहां तक मार्केट में स्लो डाउन का विषय है, डेफिनेटली स्लो डाउन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंदी है। मंदी जब होती है तो जो हमारे बीच में जो आर्थिक एक्सपर्ट बैठे हैं वो भी बोलेंगे जब जीडीपी नेगेटिव में जाती हो, लेकिन जीडीपी नेगेटिव में नहीं है। जबकि वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमीज की बात करें, सिवाय यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी को छोड़ दें, तो इवन जिसको इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ यूरोप जर्मनी को कहते हैं, वो ऑफिशियल नेगेटिव में जीडीपी जा रही है। तो ये तो ग्लोबल उसके एस्पेक्ट्स तो हैं से ही। जब आप ग्लोबलाइज्ड होते हैं तो आपके ऊपर दुनिया भर का प्रभाव आता है, नंबर एक। नंबर दो, जो एक बात थी कि ऐसा क्यों है कि जो चीज सपोज करो कि एक रुपए की मिलती थी 2014 में, आज 90 पैसे की क्यों नहीं मिल रही? वो इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप देखिए 2014 से लेकर अभी तक लगभग एग्जैक्टली बोल रहा हूं, लेकिन लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर आपकी इकोनॉमी में ऐड हुआ है। जब 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में ऐड हुआ है तो आपकी प्राइसेस नीचे नहीं जा सकती, प्राइस बढ़ेगी। लेकिन यदि प्राइस बढ़ती किस रेशो में है, यदि प्राइसेस बढ़ती उस इकोनॉमी में जो पैसा डला है उससे ज्यादा बढ़ रही है, या लोगों की जो आमदनी बढ़ती है उससे ज्यादा बढ़ रही है, तो फिर वो इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है, होलसेल प्राइस में गिरावट है। जो आपने कहा अभी गुल्ले जी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को आपने सामने रखा है, जिस पर आपने सवाल किया है, मेरा सवाल आपसे उसी पर है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया की पांच जो इकोनॉमी है, इस पर यूएसए, उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद जापान है, और तब आप हैं। आपने कहा कि जापान और फ्रांस की जो स्थिति है और जर्मनी की, वहां आपका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उनके मुद्रा स्फीति दर बढ़े हैं कि घटे हैं? उनके मुद्रा स्फीति दर आप करेक्ट कीजिए, बढ़े हैं। और दूसरी बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए मेरा सवाल। मुद्रास्फीति दर सर पहले आप आर्थिक विद्वान से इस बारे में पूछे कि मुद्रा स्फीति दर में और इकोनॉमी जीडीपी बढ़ने में या घटने में बहुत अंतर होता है। सुना ही नहीं आपने सवाल, सुना ही आप नहीं मिला सकते। अरे सर सवाल सुनिए, व्यापार घाटा क्या होता है, एक्सपोर्ट में कमी, इम्पोर्ट में वृद्धि, ये तमाम जो मार्केट है जो आर्थिक मंदी का आप नाम ले रहे हैं, इन दुनिया के तमाम देशों में आर्थिक मंदी आई है, लेकिन आर्थिक मंदी का प्रभाव जो है व्यापार घाटा पर नहीं पड़ा है। यही कारण है कि इस व्यापार मंदी के बावजूद भी अमेरिका सबसे ज्यादा जो है रोजगार साधन उपलब्ध करा है और बाजार बैलेंस है, आपका मार्केट बैलेंस नहीं है। सरकार की गलत पॉलिसी है, आपका मार्केट बैलेंस नहीं है, जिसकी एक्सपोर्ट खत्म हो चुका है। बाकी पूरे जवाब आप दे दीजिए, जर्मनी भाई आप जर्मनी नेगेटिव में है, जर्मनी चाइना के छह माह लेकिन न डिप्रेशन है जापान जर्मनी जवाब दीजिए आज आपसे सवाल है आपके माध्यम से। अरे सर व्यापार में आपसे एक्सपोर्ट कराए हैं, हमको उसका जवाब दीजिए। भारत उन किन देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है बताइए, और कहां एक्सपोर्ट हो रही है, क्या ट्रेनिंग देती है, तब आप बैलेंस जवाब दीजिए जी। ऐसे सुनो कितना चिल्ला रहे हैं। अरे सर बताइए, मैं चिल्ला नहीं रहा, मैंने बोला मोदी जी 2014 वाली बात याद आ रही, गुस्सा निकाल रहे हैं शेख साहब। उसमें कौन सा ऐसा देश है जिसने भारत से अपना व्यापार बढ़ा लिया है, मुझे सीधा जवाब दीजिए बताइए। बिल्कुल सही सवाल है, ठीक है जी बिल्कुल। देखिए रशिया के साथ हमारा ट्रेड बढ़ा है, यूरोपियन के साथ हमारे सर आप गलत डाटा दे रहे हैं सर, रशिया में 3 साल रहा हूँ यार, सुनना नहीं चाहते आप, लगभग को जानता हूँ मैं, आपको डाटा दे सकता हूँ, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि 1.76 लाख डॉलर
सुनिए सर, यूरोपियन करोड़ डॉलर मोदी जी को बुला रहा है सर, ईयू एफटीए के 2 महीने के बाद मोदी जी को बुला रहा है, आप पता क्या है? लेकिन लेकिन इस चीज को मेरे ख्याल से सुनिए, इसको इसको डेवलपमेंट के साथ जोड़िए, इसको डेवलपमेंट के साथ जोड़िए, डेवलपमेंट के साथ जोड़िए, तभी जाके आपका इस सवाल का आंसर तभी है जब आपका विकास इसके साथ जुड़े। धर्मेंद्र चौधरी जी, हम बिना कोट पैंट पहने भी बाहर निकल सकते हैं और आप सुनिए, नॉर्मल कपड़े में भी आप बाहर जा सकते हैं और कोट पैंट टाई पहन के भी जा सकते हैं, ये दोनों में फर्क है। और आपका पहचान जो कोट पैंट टाई पहन के जाने में है वो नॉर्मल कपड़े में नहीं है। और इस चीज के लिए जैसे आपने सवाल पूछा कि इतने देशों में घूम लिए तो क्या हुआ, उसके मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ आपकी बात को, वो जरूरी है, आपको एक पहचान चाहिए, आपका आप नहीं पर्यटन जरूरी नहीं है, लेकिन आपको हमारे जगह दूसरे सवाल सियासी नहीं होगा ना, आपसे सवाल सियासी, इसलिए हम ये जानना चाहते हैं, सवाल लिखा हुआ था, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो हमें डेवलपमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट में और टूरिज्म में कमी आई है, पूरा बौद्धिक सेंटर खत्म हो चुका है। आपको मैं बताता हूँ, बहुत बड़ा प्लेस था वहाँ पर, हमें देखिए 3 वर्षों में भारी कमी आई है, कौन सा प्रयास है सर, हमारे पड़ोसी नहीं है, ठीक है सर, तिवारी थोड़ा वक्त दीजिए और लोग भी, शेख साहब एक मिनट, मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि जो बाहर आप जो बाहर देशों में मोदी जी जा रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से देखिए और देखते भी हैं किस तरह के संबंध हमारे हुए हैं और देशों से, ये भी आप देखिए, हम 370 के बाद एक मैं इसलिए बोल रहा था, नहीं ये इसका फर्क है, अनिल मिश्रा जी, क्या होता था अनिल मिश्रा जी, एक सवाल लेकर आया ये मुद्दा है, ये मुद्दा रहने ये जवाब भी दे दीजिएगा, ये इसलिए कहा गया क्योंकि आज के पेट्रोल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितनी थी वो मैं लिख के, आप इस पे भी मत जाइए, मैं आपको बोलता हूं, मैं शेख साहब से भी और मार्केटिंग इंस्पेक्टर एक्सपर्ट साहब से भी जानना चाहता हूं कि माफ कीजिएगा कि देखिए आप बड़ी बड़ी बातें करें, ये सब बड़ी, आज भी देश में 80 करोड़ जनता, देखिए सच्चाई पे बात करिए, आज भी 80 करोड़ जनता 1 अरब 30 करोड़ में ऐसी जनता है जो दिन भर अगर मेहनत ना करे तो शाम को रोटी नहीं पाती है जी। हम उस 80 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में, एक पत्रकार रूप में प्रश्न करते हैं कि जो खाना सुबह शाम वो खाता है, जो वो कपड़े पहनता है या जो उसके रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उसमें अगर कोई सुधार के संकेत दिखे हों पिछले 5 सालों में 6 सालों में या इस 8 महीने में, तो आप उस पर बात करिए, देश में प्रधानमंत्री कहां घूमते हैं, आंकड़े कितने हो गए, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है, या फिर आप एक्सेप्ट करिए कि आप कॉरपोरेट की पॉलिसी लेके चलते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों या बड़े लोगों की सरकार चलती है, अगर आप कहते हैं कि आप गरीबों की सरकार है, आप गरीबों पर ध्यान देते हैं, प्राथमिकता गरीबों की है, तो मैं शेख साहब से जानना चाहता हूं, ये बताएं गरीबों के लिए ऐसा क्या कर दिया कि गरीब कहे कि हाँ ये सरकार ने अच्छा कर दिया, शेख साहब केवल भाषण जवाब दीजिए, आंकड़े छोड़ दिया हमने, अंतरराष्ट्रीय वो तेल के दाम छोड़ दिए, महंगाई भी छोड़ दी, लेकिन जो एक जो अभी वरिष्ठ पत्रकार ने एक चीज पर फोकस किया है उस सवाल का जवाब तो बनता है, वो जनता देख रही होगी। देखिए चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आवास योजना लाई गई हो जिसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में लोगों को घर दिए गए हो, चाहे जो आयुष्मान से 5 लाख रुपए तक, तभी तो जाएंगे, बात नहीं सुनना है तो फिर क्यों पूछते हैं प्रश्न, आप
बात तो सुन ले, आपको यदि सुनना ही नहीं है तो फिर बात क्यों कर रहे हैं सर? आप प्रश्न करते हैं, जवाब नहीं सुनते। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो उसमें गरीबों का उत्थान हुआ है, चाहे आयुष्मान योजना हो 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज आज तक किसी सरकार ने नहीं करवाया गरीबों का, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार करवा रही है। चाहे फिर स्टैंड अप इंडिया हो या फिर रोटी दाल से पेट भर लीजिए, महिलाओं को बांटे गए तो वो क्या गरीब लोग नहीं है? वो भी योजना उन्हीं के लिए लाई गई है। मोदी सरकार की एक योजना जो है गरीब मिश्रा जी संतुष्ट नहीं है, शेख साहब के लिए हो, गरीबों के लिए हो, आप जवाब दे रहे हैं। एक मिनट भाई सुनिए, मैंने बोला भारत की इकोनॉमी को समझने के लिए एडम स्मिथ और मार्शल को समझना पड़ेगा। लच्छेदार भाषण का प्रयोग करते हुए जुमला फेंक करके देश के लोगों को सत्ता में आप एक बार आ जाइएगा, लेकिन इसको समझने के लिए निर्मला सीतारमण जी को कहिए कि मनमोहन सिंह को गुरु मानकर जाके चरण स्पर्श करके और उनसे सीखे कि देश की इकोनॉमी को कैसे चलाया जाता है। देखिए सत्ता में आने के लिए आपको काम, देखिए मनोज तिवारी जी आपके डिबेट को होता मनमोहन सिंह जी सुन रहे हो तो कर लेंगे आपको, लेकिन ये बात भी आप मान के चलिए कि आपने ये बहुत ही बात मानी नहीं है, नहीं है कि ये बात मनमोहन सिंह जी से पूछ लीजिए। मेरा केवल इनसे दो सवाल है जी, वैसे तो ये अब तक दे नहीं पाए किसी का भी। अरे मनोज भाई सुन तो लीजिए, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। मनोज भाई सुन तो लीजिए, आप देश विदेश पे रलाते रहोगे तो ये पूरे मुझे जवाब देने कौन दे रहा है? देश विदेश पे छोड़ दीजिए, एक पॉइंट पॉइंट पीछे से बोल रहे हैं साहब। आज भी सोचा जैसे बड़े नेता वैसे छोटे नेता। केवल एक मिनट में सवाल करूंगा, जवाब तो आप नहीं दे पाएंगे मुझे। बड़े मियां सुभान अल्लाह छोटे मियां माशा अल्लाह। आप केवल इतना बता दीजिए, जब आप सरकार में आए थे आपने कहा था 2 लाख रोजगार के लिए, आपने 15-15 लाख देने के लिए कहा था, किसानों का पेमेंट करने के लिए कहा था, चिकित्सा व्यवस्था करने के लिए कहा था, आपने गंगा माँ की सौगंध खा के यहाँ तक उनको भी ठग लिया, गंगा माँ को उनकी सफाई करने के लिए कहा था। ये चीजें जो और बहुत सारी हैं, क्योंकि समय नहीं है इतना, ये चीजें आप कब करेंगे? क्योंकि की तो है नहीं आपने, आप इनको करेंगे कब इतना बता दीजिए बस, शुद्ध भाषा में। आप देश विदेश की बात छोड़ दीजिए, शांति से सुनेंगे बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करना। आप शांति से सुनेंगे, सलाद पे बढ़ाएंगे रेट, सब्जी पे बढ़ाएंगे, वो तो अलग बात है, ये पूरा देश देख रहा है जी। मुझे तो फिल्म का डायलॉग याद आता है, गुलदेश रोतेला जी यही बोलते रहे, मुझे फिल्म का डायलॉग याद आता है आपकी बात सुनने के बाद, थ्री इडियट का ऑल इज वेल। ऑल इज वेल ये वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं हमारे साथ, अजय शर्मा जी ऑल इज वेल कह रहे हैं, मोदी जी को परमानेंट विदेश भेज। चलो अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, वक्त हो गया। आप सुनिए, आपने पूछा कि आपने कहा था स्वास्थ्य की जी, आपने पूछा कि आपने स्वास्थ्य की बात की थी, डेफिनेटली हाँ। हमने की थी, इसीलिए आयुष्मान योजना है, इसीलिए जो 100 मेडिकल कॉलेज जो जिला पेट भरने वाली योजना का जिक्र किया था, किसानों का पेमेंट कब होगा आप इसे बताइए, क्यों नहीं दे रहे, क्या मजबूरी आपकी? वो तो आप सुनिए, इस देश को ठगने वाली पार्टी बीएसपी चेले चपाटे है ना, नहीं दोगे आप? बीजेपी से इतनी घृणा है कि आप बीजेपी से घृणा नहीं है, बीजेपी से गलत नीति और नीयत से घृणा है। आप सिर्फ ये बताइए, आप सिर्फ ये बताइए, इस देश के गरीब आदमी का पेट कैसे भरेगा? आप इस देश को मनोज तिवारी जी लूटना चाहते हो, धर्म पे राजनीति करना चाहते हो, मिलकर 3.5 लाख वोट दिया। अरे आप फिर, अरे अगर आपने काम किया होता ना तो दिल्ली में आपका ये हाल ना होता, इसको पूरी दिल्ली में साल किया होता मिला आपके। फिर अभी हमारे वरिष्ठ भाई और ये संजीव चौधरी जी उसी पार्टी के नेता है, हमारे कह रहे बुआ बबुआ मिल गए और फिर बाद में बुआ ने बबुआ को डांटा। अरे गुलरेज भाई, सब बबुआ ने अपने बाप को भी निकाल दिया पार्टी से, किसानों की पेमेंट को भी निकाल दिया, ये कब है और कितने दिन में देंगे? टोटी टोटी समय बताइए आप, किसानों के पेमेंट की समय बताइए, कितने रोते लगेंगे आप? ऐसे लोगों से ऐसे ही बात करना पड़ता है, किसानों के उत्तर सुनना नहीं चाहते? अरे सर आपको तो आपका हिस्सा पेमेंट कितने दिन में हो जाएगा आपको बता दीजिए? आप टोटी ले गए कि नहीं ले गए? आपके पास टोटी है, जेब में हाथ डालो,
किसानों का पैसा नहीं दोगे इसका मतलब आपके पास 2000 रुपए भीख समझ के किसान भिखारी नहीं है इस देश का। यही किसान इस देश में चलाता है, यही इस देश की सुरक्षा करता है किसान के बच्चे। अरे उन देश किसानों के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है चौधरी साहब, कोटी वालों को क्या बोले? अरे सर किसानों के पैसे की बात कर रहे हैं। धर्मवीर चौधरी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, भिखारी किसान तो देवता है लेकिन कोटी वाले क्या है? आपके साथ क्या हाल करने वाले सोच लेना। नहीं आपने देखिए मुझे इतनी देर से मैं साइंटिफिक इकोनॉमिक्स पे बात कर रहा था तो आप लोग मेरे ऊपर चढ़े जा रहे थे क्योंकि आपको वैसा ही प्रवक्ता चाहिए जो ऐसी बात करे। तो अब मैं आपको आपके अनुसार ही जवाब दे रहा हूँ। आपको अच्छा लग रहा है चर्चा कर रहा था ठीक रहे थे। आप ही पूछ लो, हमें तो ये बताएंगे नहीं, आप इनसे पूछ लीजिए, हम चुप रहेंगे। हाथियों का क्या हुआ? एक मिनट लो जी, आप पूछ लीजिए। चौधरी साहब मैं माफी चाहता हूं, बुलडेज भाई से आप पूछना चाहिए। ये कितना का टिकट है? अरे सवाल नहीं है, तो लगता है इस महंगाई का कितने का आता है? ये हिंदू मुस्लिम आदमी की त्रस्त है इस महंगाई की वजह से। कोई सरकार के पास ये सवाल जायज है तो प्लीज बताएं क्या आपका काम सिर्फ सर हमको हिंदू में भी है मुसलमानों में भी है, आप तो किसी में नहीं आते। आप भट्टी को भी नहीं लेगी, आप बहुत सरकार साबित कर दिया है कि हिंदू वाली है विकास करना पड़ेगा, किसानों के पेमेंट करना पड़ेगा। अजय शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं। अजय शर्मा जी ये शायद कॉन्ट्रैक्ट होता है सियासी पार्टियों का, कोई भी काम हो तो उसमें इस तरह से उलझा दीजिएगा कि एक हफ्ता निकल जाए, एक साल निकल जाए, पांच साल निकल जाए, ऐसा ही कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि कोई किसी को सुनने को तैयार है नहीं। पंकज जी सुनने को तैयार है नहीं। पंकज जी मैं बिल्कुल साइंटिफिक इकोनॉमिक्स पे बात कर रहा था, मैं अकेला बोल रहा था तो छह छह लोग मेरे साथ बोल रहे हैं, जानते हैं भाषणों के लिए बड़े बड़े मही सकते हैं लेकिन यहाँ एक घंटा होता है साहब। मैं जल्दी घर पर बात होनी चाहिए। पांच मिनट आगे डिबेट किया हो कि मैं भी उस प्रकार का डिबेट। अजय शर्मा जी आप आ दिए मैंने मैं देश देख दिया, चलो देश देख के सारी विस्तार देख रहे हैं। पार्टी शर्मा जी के लिए हमारी कड़ोपी जो है सारी उत्तर प्रदेश के दो सियासी दलों के दो चौधरी बीच हो जाइए, क्या 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 बताएं, कितनी कितनी कमियां बताएं संसाधनों को आप बेच रहे हैं। धर्मवीर जी प्लीज, LIC को ये देख दिया है क्या क्या नहीं देता है इस देश का। दो चौधरी में हमें एक साढ़े चार करोड़ का देख दिया। हाँ क्या अच्छा बात करें अजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी दो चौधरियों के बीच में जो आपस में लड़ते हैं उसके बीच में 3.5 लाख वोट वाली पार्टी भी बैठी है। अजय शर्मा जी कुछ कह रहे हैं ना वो सुन लीजिए आप। अजय शर्मा पूरी दिल्ली में 3.5 लाख वोट मिले कांग्रेस को। नहीं वो आपके अजय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो आपका जवाब एक जवाब से संतुष्ट नहीं। सीटों पे हमने गाला मत होइए, आपने कहा था 48 सीटों पे, आपने कहा था 48 सीटों पे आप हार गए। आपके नेताओं ने अभी शादी पर हटा दीजिए, उनको हटा दीजिए जिन्होंने क्योंकि आपने कांग्रेस का नाम लिया। अजय शर्मा जी मौजूदा से जिला बाहर तो जब चुनाव होते हैं तब प्रबंधन करने में हिचकिचाते हैं लेकिन दिल्ली में मुझे आपके स्तर पर आना पड़ा है, फिर 50-55 साल मुझे आपके स्तर पर सामना पड़ा है। मुझे आपके स्तर पर लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि आखिरकार जो इकोनॉमी 50 मिनट से इकोनॉमी में बोल रहा था मैं, जो पॉलिसीज है वो बेहतर पॉलिसीज कैसे बने, बीजेपी जो है बेहतर पॉलिसीज की बात हो रही है, बेहतर पॉलिसीज होती तो शायद आम आदमी का पेट भरता, लेकिन आम आदमी का पेट नहीं भर पा रहा है। आप जो हर चीज को महंगा करते चले जा रहे हैं, चाहे वो खाद्य तेल हो या रेलवे का किराया हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे दालें हो, चाहे दूध हो जो बच्चों के लिए है। यदि खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं आप देखिए तो यानी कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो कुपोषण के भी शिकार हो रहे होंगे, जिसका भी डाटा आना भी बाकी है। तो आप ये बताएं आखिरकार आप देश को किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। आप छोड़ दीजिए उन बातों को कि सन 2014 में जो सरकार आई थी किस तरह के मुद्दे थे, वहीं की वहीं स्टेबल है। आप क्या कर रहे हैं, क्या देंगे? लोक लुभावन बातें छोड़कर ये बताइए गरीब आदमी की थाली में खाना आएगा कैसे, ये बताइए। योजनाएं छोड़िए, वही सिर्फ यही बता दीजिए कैसे आएगा। मैंने छोटा सा एक एग्जांपल दिया है, 1 रुपए का शैंपू नहीं खरीद पा रहा है आदमी गांव के अंदर, तो क्या होगा इस देश का? आप उतना बताइए बस, मैं ज्यादा आंकड़ेबाजी नहीं जानता, मैं तो छोटी छोटी बात जानता हूँ।
आप जो है ट्रेन का सफर महंगा कर रहे हैं। देखो ट्रेन में आदमी आम आदमी ट्रेन किसकी थी? आम आदमी की, वो महंगी कर दी आपने। बस का किराया वो महंगा हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इंटरनल जो सर्विस होती है शहर के अंदर वो महंगी हो गई। आप एक बार बताइए, इतनी चीजें महंगी होती जा रही हैं, ध्यान भटकाने के लिए बात करते हैं दूसरे मुद्दों की। घर में आग लगी हुई है, आदमी भूखा पड़ा हुआ है, लोग बेरोजगारी से तंग आके आत्महत्या कर रहे हैं, आपको वो दिखाई नहीं देता। आपको दूसरी चीजें दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं आपको दूसरी चीजें? आप बताइए, गरीब आदमी का पेट कैसे भरेगा, कपड़े कैसे पहनेगा, अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेगा, स्कूल की फीस कैसे देगा? अगर उन चीजों के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसको 307 के मुकदमे में जेल देते हैं। क्या जवाब देना है? 307 तक मुकदमे दर्ज किए हैं। जवाब ले ले, छह लोग बेहतरीन सवाल था, उसका जवाब देने जाता हूँ, छह लोग पीछे से बोलते हैं। नहीं, आप बोलिए बोलिए बोलिए, रोक दिया उनको और रुक गए। ऐसा नहीं है, नहीं रुकते। पहली बात जी बोलिए प्लीज, इनकी आवाज बंद कर दे, माइक इनके माइक को बंद कर दे। नहीं नहीं, आप बोलिए, माइक बंद है उनका। ऐसा करो, उनको भगा दो। नहीं प्लीज प्लीज सर, समय नहीं है ज्यादा, प्लीज जवाब। ये गुलरज भाई चुटकुले अच्छा सुनाते हैं। आप लोगों को तो जनता ने भगा दिया है सर, क्या हम क्या भगाएंगे, हमारी क्या औकात है? जनता आपको भगा रही है। एक एक गुलरज शेख साहब, सवाल का जवाब इंतजार है चौधरी जी। सवाल का जवाब तो दिल्ली में किसको भगा आपको? शेख साहब जवाब दीजिए सवाल का, इस बात का नहीं जो चौधरी साहब ने पूछा है। अभी टाइम कम है, बहुत कंप्लेंट हुआ नहीं, इसका जवाब मैं दे देता हूं। अब एक मिनट रुकिए शेख साहब, नहीं उनको ही देने दीजिए। नहीं, इसके जवाब मैं दे देता हूं, उनको देने दीजिए। आप क्यों सत्ता की तरफ से, उनको सत्ता की तरफ से आप उनके जवाब देने की जो दर है, मुद्रा फीसदी की जो दर है, वो हम केवल कहां कोई तय करने देता है? आप लोग तय करने दे रहे हैं क्या? आप लोग तय करने दे रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश वाले जो चौधरी जी, उसके तिवारी जी, शेख साहब का जवाब ले लीजिए। केवल 4.6 पर एवरेज जो है 4.6% है इन्फ्लेशन की दर भारत में, तो यह हमारा सबसे बड़ा जो हमने करके दिखाया है गरीब व्यक्ति के लिए। अच्छा। उसके लिए स्वास्थ्य हमने फ्री दिया, स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क की है। मुझे लग रहा है अगर ऐसी हालात रहे तो एक दिन ऐसा आएगा आने वाले कुछ साल के अंदर, एक दो साल के अंदर इस देश को गरीब देश घोषित कर दिया जाएगा, तब क्या करेंगे? हो चुका है। लेकिन हाँ, मोटा मोटी बात यह है कि हमें इस इकोनॉमी से निकलने के लिए और ये जल्दी से महंगा मार्केट से निकलने के लिए हमें अच्छे पॉलिसी लाना चाहिए। हाँ। और ये जो लास्ट बजट हुआ है, बजट में भी बहुत अच्छे पॉलिसी किसानों के लिए है। हाँ। अगर इसको वाकई में अगर सिंसियरली इसको इंप्लीमेंट किया जाए और उस दिशा में हमें चला जाए तो निचले स्तर से इनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाया जाए और इनका डिमांड क्रिएट हो। चलिए, चीजें हमें खत्म सही हो, इशारा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ती महंगाई पर कब लगेगी लगाम, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया था कि अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है, महंगाई शायद कुछ कम हो, लेकिन जिस तरह से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ है महंगाई को लेकर, 2014 से पहले वाली सियासत याद आ रही है। महंगाई कम हो या ना हो, लेकिन इस पर सियासत होती रहेगी। लखनऊ में बजट सत्र ठीक पहले विधानसभा के बाहर ऐसा ही कुछ देखने को मिला। प्राइम टाइम डिबेट में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए। कहते हैं जनता के बजट पर करंट लगाना।